हाँ भाई बच्चों, गुड इवनिंग सभी को। वेलकम टू द एस पी शर्मा क्लासेस। अब देखो, यहाँ पर जो है कुछ वैकेंसीज आई हैं, ठीक है। ये NIELIT में, और ये जो है वैकेंसीज हैं आपकी टेक्निकल असिस्टेंट वगैरह की, और इसमें साइंटिफिक असिस्टेंट की भी, साइंटिस्ट बी की भी है, ठीक है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं रिक्रूटमेंट वैकेंट पोस्ट के लिए है, जो यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएंगी, ये लिखा हुआ है। अब मैं इनके बारे में बता दूं, बेसिकली ये वैकेंसी जो है लास्ट ईयर की थी, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये दिसंबर में निकली थी, 2020 में दिसंबर में निकली थी, और 2 दिसंबर से 31 दिसंबर तक थी, लेकिन कोरोना केसेस की वजह से ये पोस्टपोन कर दी गई थी। तो अब ये दोबारा से निकाली गई है, और दोबारा से वैकेंसी निकालने में आप देख रहे हैं, अब इसमें 10 तारीख जो है 10 जून की, ये 10 जून से स्टार्ट हो गई है, और 9 जुलाई जो है वो लास्ट डेट है इसमें, ठीक है। वैकेंसी आपकी साइंटिस्ट बी और साइंटिफिक असिस्टेंट ए की है, तो आप बहुत अच्छी जॉब होती है, साइंटिस्ट लेवल के ग्रेड 10 से लेकर ग्रेड 13 तक की इसमें सैलरी वगैरह भी और पोस्ट वगैरह भी होती है। तो जो जो बच्चे भी जो हैं इसमें एलिजिबल हों, ठीक है, तो वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली मैं आपको ये PDF ओपन करके एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड दिखा देता हूँ, क्या क्या चीज़ हैं, क्या सिलेबस है रिटन एग्ज़ाम का आपका, दोनों की ये सारे PDF में यहाँ पे समझ लेते हैं हम, ठीक है। तो बेसिकली जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले वैकेंसी टू बी फिल्ड अप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पे, ये एज लिमिट जो है वो 30 ईयर है, यहाँ पे एज लिमिट दी हुई है 30 ईयर। आपके पास लेवल 10 की है ये वैकेंसी, साइंटिस्ट की लेवल 10 से स्टार्ट है, बेसिक पे ही 56,100 से शुरू है। यहाँ पे 10 वैकेंसी निकली हुई हैं इसमें, और MSc इन इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस, या आपने MCA किया हो, या आपने जो है बी लेवल किया हुआ हो, तो आप एलिजिबल हैं। आपने ME, M.Tech, BE, B.Tech किया हुआ हो, या आप AMIE के एसोसिएटिव मेंबर हों, ठीक है, तो ये सब इसमें यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन है। इसके बाद आप देख सकते हैं, ये तो साइंटिस्ट की बात हो गई है, कितनी वैकेंसीज़ हैं। कंप्यूटर साइंस की वैकेंसीज़ के बारे में दी हुई हैं, IT की, इलेक्ट्रॉनिक्स की, आप उसके अकॉर्डिंग बेसिकली कर सकते हैं। यहाँ पे साइंटिफिक असिस्टेंट जो है उसमें वो लेवल 6 की पोस्ट होती है, इसमें भी अपर एज लिमिट 30 साल ही है। MSc इलेक्ट्रॉनिक्स में हो आपकी, फिजिक्स में हो, कंप्यूटर साइंस में हो, IT में हो, अप्लाई इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, सब में चल जाएगा। MS किया हुआ हो, कॉम्बिनेशन इन सब्जेक्ट के हैं, MCA किया हो, आपने BE, BTech किया हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन है, 5 साल का SC ST कैंडिडेट के लिए, 3 साल का OBC कैंडिडेट के लिए, 10 साल का PWD कैंडिडेट के लिए, और 15 साल का PWD SC ST कैंडिडेट के लिए, और OBC के लिए 13 साल का है, ठीक है। तो ये तो है इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो रिक्वायरमेंट सिंपल सी है, आपने कंप्यूटर साइंस से मास्टर डिग्री हो या BTech भी हो तो आप चल जाएगा, या ओ लेवल हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सिलेबस की बात करते हैं, तो सिलेबस अगर साइंटिस्ट की बात करते हैं, साइंटिस्ट बी का सिलेबस, इसमें इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आती है, कंप्यूटर साइंस या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, मतलब इसके अंदर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर है, एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन है, और डेटा स्ट्रक्चर है, एल्गोरिथम है, TOC है, कंपाइलर डिजाइन ऑपरेटिंग सिस्टम डेटाबेस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर नेटवर्किंग, ठीक है। इसके बाद IT की पोस्ट पे जो जा रहे हैं, IT वालों में जो है सेम चीज़ है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, डिजिटल लॉजिक्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी है, और ये सब सिलेबस सेम सही सिलेबस है लगभग। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए जो है थोड़ा सा सिलेबस चेंज है, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स की ज़्यादा चीज़ें पूछी गई हैं, बाकी तो उसी तरह से हैं। ऐसे ही अगर साइंटिस्ट जो है साइंटिफिक असिस्टेंट की बात करें, उसमें भी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आएगा, जिसके अंदर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में वही है सेम साइंटिस्ट वाला ही, यानी मैथमेटिकल लॉजिक एंड प्रोबेबिलिटी, सेट थ्योरी, अल्जेब्रा, कॉम्बिनेट्रिक्स एंड ग्राफ थ्योरी, लीनियर अल्जेब्रा, न्यूमेरिकल मेथड और कैलकुलस आती है। फिर यहाँ पे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, CSC है, एनालॉग डिजिटल कंप्यूटर सर्किट है, प्रोग्रामिंग है, डेटा स्ट्रक्चर है,
एल्गोरिथम है, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन है, कंपाइलर डिज़ाइन, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर नेटवर्क, सेम ही सिलेबस है मतलब दोनों का, बस लेवल थोड़ा सा चेंज हो जाता है। यहाँ पर ये लिखा ही हुआ है कि ये रिवाइज कर दी गई है वैकेंसी वगैरह, तो इसके बारे में तो आप जो है ये वैकेंसी फिल कर सकते हैं, ठीक है। अप्लाई हाइफन दिल्ली डॉट NIELIT.gov.in पर जाकर, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, ठीक है, जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, या आपको पिन पे कमेंट में भी कर दूंगा। तो जो जो एलिजिबल कैंडिडेट हों वो फिल कर दें। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो साइंटिफिक असिस्टेंट है उसके लिए 63 वैकेंसीज़ हैं, साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 63 हैं और साइंटिस्ट के लिए 18 वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। तो आप जो है कंप्यूटर साइंस से की हुई है जिसने, वो CS और IT वाला ऑप्शन ही सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स जिसने की हुई है वो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। तो कंप्यूटर साइंस वाले, MCA वाले खासकर ध्यान रखें बच्चे, तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जो है ये बेसिकली BE, BTEC या ME, MTEC वालों के लिए है, आपको CS या IT में से ही सेलेक्ट करना है ऑप्शन। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।